सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग आप सभी को, और मेरा नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे। लाइक जो भी लोग अपना कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं या फिर कॉलेज में पास आउट हो चुके हैं बट वो अभी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो देखिए, मैं दुबई में अभी मेरा 2 साल होने वाला है और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ कि एक सही दिशा क्या होगा उन लोगों को करियर चूज करने के लिए। ठीक है, तो मैं भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है और मैंने 2017 में किया, 2017। फिर उसके बाद से इंडिया में 3 साल किया, फिर अभी 2 साल मैं दुबई में काम कर रहा हूँ। तो देखिए, मेरा अनुभव क्या कहता है कि अगर आप फ्रेशर हो और आप ट्राई कर रहे हो जॉब के लिए, तो आप कोई किसी भी फील्ड से हो, फॉर एग्जांपल आप मैकेनिकल से हो, आप इलेक्ट्रिकल से हो, आप सिविल से हो, तो अगर आपके फील्ड्स में जॉब नहीं लगता है तो मैं बोलूँगा कि आप आईटी की तरफ मूव कीजिए। और ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप्स है क्योंकि सारे चीज़ें डिजिटलाइज्ड हो रही है और आईटी में अच्छा स्कोप है। कोई भी एक चीज़ को पकड़ के रखिए और उस चीज़ पे काम करना शुरू किए। फॉर एग्जांपल आपको कोडिंग का कोई भी एक लैंग्वेज ले लीजिए, आपने पढ़ा ही होगा सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, तो कोई भी एक लेके आप अपना काम शुरू कीजिए। और एक छोटा सा 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना करके एक स्मॉल कंपनी में ट्राई कीजिए कि ज्वाइन होने के लिए एटलीस्ट 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस लीजिए, फिर उसके बाद से मूव कीजिए वहाँ से सीख के। तो एक छोटा सा स्मॉल मैसेज था कि आप सभी को, कि जितने भी लोग फ्रेशर्स हैं, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप आईटी फील्ड में जाओ, ये एक बहुत ही अच्छा फील्ड हो गया है। अभी मार्केट भी बहुत ही अच्छा है इसका, क्योंकि देखो मैकेनिकल्स में आओगे आपको फिर साइट पे जाना पड़ेगा और इनिशियली इनिशियल का जो 3 साल होगा ना, बहुत मुश्किल भरा दिन होता है। क्योंकि आप लोगों को भी मालूम है कि जब जिन लोगों को उन लोगों को मालूम होगा जो ऑलरेडी 1 साल काम किए हैं या फिर कर रहे हैं, कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं साइड पे, लेबर्स जैसा काम होता है, लेबर्स के साथ अनस्किल्ड पीपल के साथ काम करना। बट अगर आपको इंटरेस्ट है तो कोई बात नहीं, नहीं तो अगर आपको करियर सही दिशा में लेके जाना है तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आईटी फील्ड में जाएं और फिर वहां से आप अपना ग्रोथ कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स है, 1-2 साल काम करने के बाद से अगर आपको अलग अलग टूल्स पे काम करना आ गया तो आप वहां से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक दिशा है और इस पे आप लोगों को काम करना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगा। ठीक है, तो एक छोटी सी बात है, मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो चलता हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे काम है और बहुत दिन से वीडियोस नहीं शूट किया था, तो एक छोटा सा वीडियोस बनाने के लिए कि आप लोग को एक मैसेज दूँ। तो अगर आप लोग बहुत सारी चीज़ रहे तो प्लीज अवॉइड दैट थिंग्स एंड फोकस ऑन सिंगल थिंग। ठीक है, सो थैंक्स थैंक्स अलॉट टू एवरीवन।